BCA के टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक IPU CET 2024 की डेट्स हो गई हैं अनाउंस स्टूडेंट्स। जी हाँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में 2024 सेशन के लिए BCA एडमिशन हो गए हैं स्टार्ट। तो क्या है IPU CET के रिलेटेड सभी डेट्स एंड अपडेट्स, और क्या रहेगा BCA का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, और कौन से हैं वो टॉप IPU के BCA कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप सभी भी 2024 में IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से BCA करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे IPU CET 2024 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज, मैं खुद हूँ एक BCA ग्रेजुएट, मुझे है करियर कोचिंग एक्सपीरियंस, और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपके BCA कोर्स की जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो BCA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, GGSIPU यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में लोकेटेड है, जिसे IP यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। रैंकिंग एंड रिकग्निशन की बात करें तो ये एक NAAC A++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, और NRI रैंकिंग 2023 की बात करें तो इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसकी 84th और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रैंक में इसका 74th रैंक रहा। और ये जो यूनिवर्सिटी है इसके आपको 30+ कॉलेजेस मिलेंगे, जिसमें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं, जहाँ पे आप BCA में एडमिशन ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, IP यूनिवर्सिटी में 40+ वेरियस UG एंड PG कोर्सेज ऑफर होते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट एंड मेडिकल, जिनमें से BCA भी एक कोर्स है। और नोट करने वाली बात यह है कि 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं, और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, IP यूनिवर्सिटी से अगर आप BCA परस्यू करना चाहते हो तो आपको इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम यानी IPU CET इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसकी डेट्स की बात करें तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गई है 1 फरवरी 2024 को, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024, और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है 1500 रुपये, और ये जो एग्जाम है IPU CET 2024 का वो कंडक्ट होगा 27 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 के बीच में। तो स्टूडेंट्स, IP यूनिवर्सिटी में BCA कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 12th पास होना है विद मिनिमम 50% विद इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे 4 साल की BCA आपको परस्यू करने को मिलेगी। और एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपका IPU CET का स्कोर जो है वो कंसिडर किया जाएगा, देन काउंसलिंग प्रोसेस होंगे। इसके अलावा IP यूनिवर्सिटी में आप CUT, UG के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जो प्रायोरिटी सीट्स हैं वो IPU CET से फिल की जाएंगी, और जो वैकेंट सीट्स रहेंगी वो CUT, UG के थ्रू फिल की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, BCA कोर्स की एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्राइटेरिया जान लेने के बाद अब जानते हैं IPU CET 2024 का एग्जाम पैटर्न। तो मैं आपको बता दूं कि IPU CET 2024 में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जिसमें से इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिक्स, जर्नल अवेयरनेस एंड GK आपको आएगा। IPU CET 2024 के मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड या फिर पेन पेपर बेस्ड, और टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपको 2.5 घंटे की। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपको 100, और 400 आपके टोटल मार्क्स होंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर पे, और नेगेटिव मार्किंग होगी -1 विद रॉन्ग आंसर। IPU CET के एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली NCR के अलावा आपको चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता और जयपुर में भी इनके सेंटर्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, IP यूनिवर्सिटी में BCA कोर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 टाइप की BCA ऑफर होती है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट जिसे Shift 1 कहा जाता है, और इवनिंग शिफ्ट जिसे Shift 2 कहा जाता है। और GGSIPU से एफिलेटेड कॉलेजेस में जो BCA कोर्स की सीट्स हैं वो लगभग 3000 के करीब हैं, और यहाँ पे जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, जो कि जनकपुरी दिल्ली में है। दूसरे नंबर पर है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ये आपको पीतमपुरा में मिलेगा। जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, वसंत कुंज में लोकेटेड है। 4th नंबर पर है जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये आपको रोहिणी में मिलेगा। और 5th नंबर पर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये भी आपको जनकपुरी न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं IPU CET 2024 की ये इंफॉर्मेशन आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए यूजफुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और हाँ, अगर आपको BCA के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, और BCA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।